करके आपके बीच काम करना होगा। मैं चुनाव के समय मैंने कुछ बातें आपसे कही थी, मैं आज भी आपके इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रमुख बने हैं तो केवल धन कमाने के लिए नहीं बने हैं, आपका मकसद सम्मान कमाना। जिस परिवार से आप जुड़े हैं वहां धन का अभाव नहीं है, धन से आप परिपूर्ण हैं, परिवार से भी परिपूर्ण है। जिसका घर में परिवार में आबादी के कदमों को बढ़ाना, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस गांव में जिस क्षेत्र पंचायत के सदस्य के गांव में अगर कोई काम होगा, चाहे वो नाली के रूप में, सड़क के रूप में, जो भी जिस रूप में काम होगा, उस क्षेत्र पंचायत की सहमति से और वहां कोई ठेकेदार जाकर काम न करके उस क्षेत्र पंचायत का सदस्य ही वहां काम खड़ा होकर कराएगा। अगर इस कार्य को आपने अंजाम दिया, आने वाले कल में इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं आपको हर समय हर पल, जैसे आज आदरणीय प्रमुख जी हमारे बगल बैठे हुए हैं, हम लोगों के अग्रज, उनका नाम लोग लेते हैं और गर्व हम लोगों को भी होता अपने परिवार के सम्मान के लिए उनके सुख दुख में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने अपनी आंखों से आंसू है, वो कितनी फासिस्ट है, कितनी झूठी है, आप लोग देख रहे होंगे कि आज प्रदेश में बैठकों पे बैठकें चल रही हैं और संघ भी उसमें कहीं ना कहीं समय दिया है। देखिए, आप सोचिए, ये पिछड़ी जात के हैं और गली जात के कहना पड़ रहा। आज कार्यक्रम यहां शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भी पूर्व मंत्री विधायक मछली साहब श्री जगदीश सोनकर जी, पूर्व विधायक राजनारायण बिंद जी, पूर्व